तो जय हिंद ऑल, कैसे आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में इकोनॉमिक्स पर नॉलेज। तो गाइस, फाइनली आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है यूसी के रिगार्डिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आपको पता है दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज बन रही हैं कि भाई भर्ती आ गई है, 3,000 प्लस समथिंग वैकेंसीज हैं, और कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं भाई जो हवा हवा में तीर मार देते हैं। लेकिन अपना जो चैनल है एक्सपर्ट नॉलेज, ऐसा कुछ भी इस पे नहीं आता है कि जो भी यहाँ पे भाई जेन्युइन जानकारी होती है मैं आपको वही प्रोवाइड करवाता हूँ। और गाइस देखिए, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और बात करें हम आपकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग, बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन पहले जो आपकी वैकेंसीज आई थी भाई, उसके मुकाबले आपकी वैकेंसीज कम आएंगी, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि भाई बहुत सारी वैकेंसीज को फिलअप कर दिया गया है एओसी की। भाई आपको पता है, इससे पहले एमए की भर्ती आई थी, टीमेट की भर्ती आई थी, फायरमैन की भर्ती आई थी, ओनली क्लर्क की भर्ती अभी बची हुई है। भाई कुछ टाइम बाद में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन भाई आई एम नॉट श्योर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ अगले महीने आएंगी, 2 महीने में आएंगी, 3 महीने में आएंगी, लेकिन भाई उम्मीद यही है कि आपकी बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आपको दोस्तों खुद चेक करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको यहाँ पे और कुछ फिलअप नहीं करना है, आपको यहाँ पे एओसी फिलअप कर देना है। एओसी फिलअप करने के बाद आपको एंटर कर देना है, तो मैं एंटर कर दिया है यहाँ पे। तो गाइस देखिए, आपको फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ज्वाइन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इंडिया, तो भाई मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, प्लीज डू नॉट रजिस्टर, दिस साइट इज अंडर टेस्टिंग, प्लीज डू नॉट रजिस्टर, इफ यू रिग्रेटेड द एप्लीकेशन विल बी इनवैलिड। तो भाई अभी साइट पे थोड़ा काम चल रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। और गाइस देखिए, यहाँ पे आपके जो नोटिस हैं, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड हैं, होम, आपका जो होम पेज है आपका यही है। अगर आप भाई फ्यूचर में एओसी में आते हो, तो भाई आपका सामने जो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका जो रिजल्ट है आपके सामने ऐसे शो ऑफ होगा, और आपका रोल नंबर इसमें दिया गया होगा। जिस भी भाई भर्ती की आप प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है जब आपका जो एक आप इंडेक्स नंबर आपका होता है, वो आप सर्च करके अपना रिजल्ट चेक करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट, जो गाइज आपकी भर्ती आई थी 2023 में, ठीक है, वो भर्ती के ये रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और गाइज देखिए, यहाँ पे आपकी एमए की वैकेंसीज आई थी। और गाइज बता दूं मैं आपको, अगर आप भाई एओसी में फॉर्म फिलअप करते हो, तो भाई आपका जो एडमिट कार्ड है सबका नहीं आता है। गाइज एओसी में जो आपका एडमिट कार्ड आता है, परसेंटेज बेस पे आता है, जिसके भी नंबर 10+2 में अच्छे मार्क्स होते हैं। मान लो आप टीममेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फिर फायरमैन का फिलअप, आप टीममेट का फिलअप कर रहे हो, फिर आप फायरमैन का फिलअप कर रहे हो, तो भाई आपके नंबर अगर 10th क्लास में अच्छे मार्क्स हैं, 80+ हैं या फिर 75+ हैं, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो क्लर्क में, तो भाई आपका जो परसेंटेज है +2 में, ठीक है, +2 में 70+ होना चाहिए, 70% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 65-60 मार्क्स हैं, तो भाई आपके बहुत कम चांस है एडमिट कार्ड आपका आता है। ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन भाई वो अपने हिसाब से कट ऑफ लगाते हैं, जो भी उनकी कट ऑफ में आ जाते हैं, उनका एडमिट कार्ड वो जारी कर देते हैं, इशू कर देते हैं, और भाई आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो भाई सबका एडमिट कार्ड इसमें नहीं आता है। आप कितने मार्क्स हैं 10+2 में, प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट करके वीडियो के नीचे। और अगर आप दोस्तों चाहते हो भाई बहुत जल्दी जॉब हासिल करना, एक गवर्नमेंट सर्विस पाना, तो प्लीज आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। आपको दोस्तों मेरे चैनल पे जितने भाई गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, सबके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है, तो भाई आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो भाई वैकेंसीज आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, क्लर्क में एंड टीममेट, फायरमैन की, एमए की शायद मे भी नहीं आएंगी, क्योंकि काफी टाइम बाद आएंगी वैकेंसीज, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज को फिलअप किया गया है यहाँ पे। आपको पता है 429 पोस्ट थी जो कि आपकी फिलअप हो चुकी है एमए मेटल असिस्टेंट के लिए। बाकी जो आपकी अदर ट्रेड बच गए हैं भाई, उनमें आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं, और बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज आएंगी। अभी अभी तक आपकी वैकेंसीज कोई भी नहीं आई हैं, यूट्यूब पे वीडियोज बन रही हैं कि भाई भर्ती आ गई है, लेकिन दोस्त ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जब भी आपकी भर्ती आएगी, आप इस साइट के ऊपर आके चेक कर सकते हो कि आपकी वैकेंसीज आई हैं या फिर नहीं आई हैं। आपको भाई किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको अलर्ट रहना है, लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन।